बस यही स्वीकार करना है हमें। संसार में आने के बाद संसार की दी हुई मान प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं करना है, संसार में उपलब्ध किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करना है। यहां आने के बाद तो एक ही बात स्वीकार करनी है, क्या? मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो। आओ कल के प्रसंग में हम सब प्रवेश करें। श्री नाभाजी का चरित्र आप सब कल श्रवण कर रहे थे। नाभाजी महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ ये कल आप सबने श्रवण किया। नाभाजी महाराज किनके अवतार थे ये भी आपने श्रवण किया। नाभाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ ये भी आपने श्रवण किया। और इनके जन्म के एक दो वर्ष के बाद ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। केवल माता रह गई और एक और विपत्ति इनके जीवन में आई। जिस क्षेत्र में श्री नाभाजी महाराज रहते थे उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। आपने सुना हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको भयो द्रग हीन सो नवीन बात धारिए। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको भयो द्रग हीन सो नवीन बात धारिए। प्रियादास जी महाराज नाभाजी के चरित्र में ये छप्पे लिख रहे हैं। आप सबको कंठस्थ हो तो बोलिएगा, नहीं तो दर्शन कीजिएगा। सिर्फ प्रियादास जी महाराज ने बहुत सरल कर दिया भक्तमाल जी को। नाभाजी महाराज ने तो समाधि भाषा में श्री भक्तमाल को रचा था, लेकिन प्रियादास जी महाराज ने तो टीका करके सरल कर दिया। एक एक शब्द ध्यान से श्रवण कीजिएगा। इस छप्पे में श्री नाभाजी महाराज के चरित्र का वर्णन किया है श्री प्रियादास जी महाराज ने। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको भयो द्रग हीन सो नवीन बात धारिए। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको भयो द्रग हीन सो नवीन बात धारिए। उमरी बरस पांच मान के अकाल आज माता बन छोड़ गई विपत्ति विचारिए। उमरे बरस पांच मान के अकाल आज माता बन छोड़ गई विपत्ति विचारिए। उम्र बरस पांच मान के अकाल आंच माता वन छोड़ गई विपत्ति विचारी। एक दो वर्ष की अवस्था में पिता सिधार गए इनके और पांच वर्ष की अवस्था में गांव में अकाल पड़ा। माता जी के साथ वन आए, वन में लेके आई मैया गोद में लेके इन्हें। यहाँ प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं माता वन छोड़ गई विपत्ति विचारी। इसका भाव ये नहीं कि अकाल के कारण, इस विपत्ति के कारण इनकी मैया इन्हें वन में अकेला छोड़ के कहीं चली गई, नहीं। इसका भाव ये है इतने दिनों से भूखे प्यासे दोनों माँ बेटे रहे, वन में गोद में लेके जब तक शरीर में सामर्थ्य रहा नाभाजी को गोद में लेके उनकी मैया चली है। और जब शरीर का सामर्थ्य, शरीर की शक्ति भी साथ छोड़ने लगी तो एक वृक्ष के नीचे श्री नाभाजी महाराज को विराजमान किया और कहा बेटा मैं अभी कुछ दूर जाके जल की व्यवस्था करके आती हूँ, कुछ फल फूल मिल जाए तो मैं लेके आती हूँ, तो यहाँ बैठ। और जल की व्यवस्था करने जब मैया गई तो जल ढूंढते ढूंढते काफी दूर जंगल में निकल गई। जल की एक बूंद मैया को वन में नहीं मिली और चलते चलते मैया का साहस भी टूटने लगा, शरीर शिथिल होने लगा, पैर कांपने लगे और मैया को चक्कर आने लगे और मैया वहां गिर गई बेहोश हो गई। और मैया को लगा कि अब प्राण नहीं बचे और भूख प्यास से व्याकुल वो मैया अचेत पड़ी है।
और कुछ देर बाद मैया का स्वर्गवास हो जाता, मैया भी परलोक सिधार जाती। तो यहाँ ये भाव है, माता वन छोड़ गई विपत्ति विचारिए, भाव ये नहीं कि विपत्ति को देख के माता ने अपने पुत्र का त्याग कर दिया। अरे संसार सबका साथ छोड़ सकता है, लेकिन एक माँ ही ऐसी है जो हर परिस्थिति में अपने बेटे का साथ निभाती है। एक माँ ही ऐसी, किसी का बेटा स्वर्ग सिधार जाए तो परिवार वाले 10-12 दिन रोएंगे, पत्नी ज्यादा से ज्यादा 2-4 महीने रोएगी, लेकिन जीवन भर केवल एक मां रोती है अपने पुत्र के वियोग में। जीवन भर केवल एक मां रोती है, मां जैसा हृदय किसी का, मां जैसा हृदय किसी का, मां सिधार। उम्र बरस पांच मान के अकाल आंच, माता वन छोड़ गई विपत्ति विचारिए। उमरी बरस आज मानी के अकाल आज, माता बन छोड़ गई विपत्ति विचारिए। कील हो अगर ताही डगर दरस दियो, कील हो अगर ताही डगर दरस दियो, कील हो अगर ताही डगर दरस दियो, कील हो अगर ताही डगर दरस दियो। लियो यो अनाथ जानी पूछी सो उचारिए, लियो यो अनाथ जानी पूछी सो उचारिए। बड़े सिद्ध जल ले कमंडलों सो सीचे नैन, चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिए। बड़े सिद्ध जल ले कमंडलों सो सीचे नैन, चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिए। बड़े सिद्ध जल ले कमंडल को सींचे नैन, चैन भायो खुले चाख जोरी को निहारिए। बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू सो सींचे नैन, चैन भायो खुले चाख जोरी को निहारिए। हनुमान वंश में ही जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रग हीन सो नवीन बात धारिए। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रग हीन सो नवीन बात धारिए। हनुमान वंश में ही जन्म प्रशंस जाको, भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिए। माँ जल की तलाश में जंगलों में भटक रही थी, और इधर जल की तलाश करते करते माँ के प्राणों ने भी माँ का साथ छोड़ दिया, और माँ भी सिधार गई, माँ का भी परलोक गमन हो गया। अब श्री नाभाजी महाराज वन में अकेले, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, माँ अभी आती होगी, माँ अभी आती होगी, माँ अभी आती होगी, प्रतीक्षा देखो। 5 वर्ष के नाभाजी महाराज भयो दृगहीन सो नवीन बात धारी, और नाभाजी महाराज को 5 वर्ष के बालक भी ऐसे जिनको नेत्र ही नहीं, दृष्टि तो दूर की बात, नेत्र ये इंद्रिय ही नहीं है, नेत्र ही नहीं मुखमंडल, ऐसे बालक को उसकी मां श्री ठाकुर जी के आश्रय छोड़ के परलोक गमन कर गई। लेकिन चलते चलते जब मां को लगा कि अब शरीर प्राणों को धारण नहीं कर पाए, उस समय मैया ने यही कहा, किस वन में, इस निर्जन वन में मैं किससे सहायता मांगू, यहां कोई मानव नहीं दिखता,
यहाँ कोई जीव नहीं दिखता, कोई नर नहीं दिखता, किससे सहायता मांगू। और उस समय केवल एक ही अवलंब थे, वो थे नारायण। श्री हरि से ही प्रार्थना की, क्योंकि मां को यह विश्वास था कि इस निर्जन वन में अगर नर को पुकारूंगी तो कोई नर सहायता के लिए नहीं आएगा। इस निर्जन वन में कोई नर नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई मानव नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन एक है। कौन है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जो कणकण में व्याप्त हैं, जो हर जगह बैठे हैं, अब तो केवल उन्हीं से सहारा मांगना चाहिए, अब तो केवल उन्हीं का आसरा लेना चाहिए। अपने अपने घर की सब काहू को पीर, अपने व्यापार की, अपने परिवार की, अपने घर की, अपने संसार की, अपने बीवी बच्चों की, अपने सगे संबंधियों की तो सब चिंता करते हैं, उनका दुख तो सबको दुख होता है, सबका दुख उन्हें होता है, लेकिन प्यारे इस निर्जन वन में मैं किसको पुकारूं, किससे कहूं, कौन है तेरे बिन। अपने अपने घर की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर हर घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। एक तुम ही तो हो जो सबकी चिंता करते हो, एक तुम ही तो हो जो सबकी चिंता करते हो। मां रोते रोते बिलखते बिलखते, हे सरकार, हे हरि, हे करुणा वरुणालय, अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। और जाते जाते मैं अपने उस 5 साल के नेत्रहीन बालक को, पितृहीन बालक को मैं आपके सहारे छोड़ के जा रही हूं। सरकार, जब आप ही सर्वत्र बैठे हो, जब आप ही सर्वत्र व्याप्त हो, आपके होते अब मुझे कोई और चिंता नहीं, आप ही संभालिए, आप ही संभालिए। सुबह से शाम हो गई, नाभाजी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी मां आती होगी, अभी मां आती होगी, अभी मां आती होगी। सुबह से शाम हो गई, मां नहीं है। मन को समझा रहे, बार बार मन को समझा रहे हैं कि कुछ देर में शायद मां आ जाए, कुछ देर में शायद मां आ जाए, कुछ देर में शायद मां आ जाए, लेकिन मां नहीं आई। दोपहर होने को आई, प्रतीक्षा करते 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 हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होने लगी, वेदना उत्पन्न होने लगी, मन में भय बैठने लगा, डर बैठने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं इस भयानक जंगल में मां अकेली गई है, किसी हिंसक जीव ने उन पे आक्रमण कर दिया हो। नाना प्रकार के विचार मन में आने लगे, मां नहीं आई। मन को समझा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मां को अपने हरि पे बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है, उनको कोई संकट नहीं आ सकता। वो कभी सकारात्मक विचार मन में आते हैं, कभी नकारात्मक विचार मन में आते हैं, लेकिन बस एक ही प्रतीक्षा है, मेरी मां नहीं आई, मेरी मां नहीं आई, मेरी मां नहीं है। संध्या होने को आई, तरह तरह के वन में हिंसक प्राणियों की आवाज गूंजने लगी, भयंकर आवाजें गूंजने लगी, शायद मां आती होगी। अब जंगल में भयंकर जानवरों की, पशुओं की आवाज गूंज रही है, मां को इतनी चिंता तो होगी, रात होने को आई है शायद, कि मेरे बालक को डर लग रहा होगा, मां आती ही होगी, भले ही बिना जल के आए, भले ही बिना फल फूल के आए, लेकिन मेरी मां मेरे पास आती होगी। संध्या होने को आई है, रात होने को, उसके मन में विचार आ रहा होगा कि हिंसक प्राणियों के बीच में अकेले छोटे से बालक को छोड़ के आई हूं, चिंता हो रही होगी मेरी मां को, मेरी मां आती होगी,
लेकिन मां नहीं आई, मां नहीं आई। मध्य रात्रि होने को आई, प्रतीक्षा में बैठी है। मां तू कह के गई थी कुछ दूर जा रही हूं, जल की व्यवस्था करके लाती हूँ, कुछ फल फूल मिल गया तो उसकी व्यवस्था करके लाती हूँ। माँ मुझे ना जल चाहिए, ना फल चाहिए, ना कोई पत्र पुष्प चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तू चाहिए। तू कहाँ चली गई माँ? रो रहे हैं, पिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन माँ नहीं आई, माँ नहीं आई। अब मन में विश्वास हो गया नाभाजी महाराज कि शायद आज मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। मन में विश्वास है, आज मेरी मां भी मुझे छोड़ के चली। बैठे रहे, बैठे रहे, फिर एकाएक मन में विचार आया, मां अगर तू चली भी गई है तो भी तू जाते जाते एक काम बहुत उत्तम करके गई। क्या करके गई? अगर तू मुझे किसी नगर में छोड़ के जाती, अगर तू किसी गांव में मुझे छोड़ के जाती तो वहां मुझे आस नर से होती, किसी मानव से होती, मनुष्य से होती। मां लेकिन तू जाते जाते छोड़ के गई है, ये बहुत उत्तम किया कि तू मुझे वन में छोड़ के गई। अब मुझे किसी और की आस नहीं, अब मैं किसी और से आस नहीं लगा सकता। शायद नगर में छोड़ के जाती तो मुझे किसी मानव से आस होती, अन्य व्यक्तियों से कोई उम्मीद होती, लेकिन वहां तूने बहुत उत्तम किया, तो जाते जाते मुझे जंगल में छोड़ के गई, वन में छोड़ के गई। और मां इस जंगल में ना कोई नर है, ना कोई मानव है, ना कोई मनुष्य है, कोई नहीं है। यहां तो केवल अब नारायण से ही आस रह गई, केवल श्री हरि से ही आस रह गई। और प्यारे जीवन उसी का सफल है जो संसार से आशा त्यागे और हरि से आस जोड़ ले। जिसने अपनी आशा श्री हरि के चरणों से जोड़ ली वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। हम हमेशा एक बात कहते हैं, संसार के साथ सुंदर व्यवहार किया जाता है। संसारी जीव हो ना, उनको दुख नहीं देना चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हो तो यथा सामर्थ्य सेवा करो, उनकी सहायता करो, मदद करो, सुंदर व्यवहार करो संसारी के साथ। संसार के साथ सुंदर व्यवहार होना चाहिए और बांके बिहारी के साथ हृदय का प्यार होना चाहिए, बिहारी जी के साथ हृदय का प्यार होना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा ही होता है, यहां संसार से उम्मीद बहुत है, सरकार से उम्मीद कम है। पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। प्यारे संसारी को आप फोन करके अपनी विपत्ति में बुलाओ तो उसे अपनी गाड़ी से आने में 15-20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जब गजराज ने ठाकुर को पुकारा ना तो गजराज की पुकार जैसे ही वैकुंठ धाम तक पहुंची तो सरकार ने केवल हाथी का हा ही सुना था। इतनी देर में वो थी बोलता, इतनी देर में तो सरकार उसके समीप पहुंच गए थे। पलक झपकने में भी देर हो सकती है लेकिन भगवान को आने में देर नहीं लगती। लेकिन विश्वास है, विश्वास है। आज नाभाजी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं, जन्म हुआ तो पिता का वियोग हो गया, पिता के बाद घर में रहे अकाल के कारण ग्राम का वियोग हो गया और आज मां का भी वियोग हो गया। अब पूर्णतः समर्पित हो गए श्री हरि के चरणों में। सरकार कौन है आपका, कौन है हमारा आपके बिना, कौन है हमारा? और जंगल में पुकार रहे हैं नाभाजी महाराज, अब विश्वास हो गया कि अब मां वापिस नहीं आएगी, अब मां वापिस नहीं आएगी। मन में विश्वास जग गया, अब अगर प्रार्थना ही करनी है, अब अगर इस भयानक जंगल में किसी को पुकारना है तो अब मां नहीं आएगी, अब तो केवल कोई आएगा तो मेरे नारायण ही आएंगे।
मेरे ठाकुर ही आएंगे, मेरे गोविंद ही आएंगे। मेरे दाता हे विधाता, कृपा का मेहा बरसाओ, कृपा का मेहा बरसाओ। मेरी माँ जल की एक बूंद लाने के लिए तड़पती हुई, तरसती हुई, व्याकुल होती हुई परलोक सिधार गई सरकार, लेकिन जल की एक बूंद नहीं मिली। अब तो माँ का भी वियोग हो गया। क्या इस 5 साल के बालक पे अब भी आपको तरस नहीं आ रही? अब तो केवल प्यास बुझेगी तो आपकी कृपा की बरसात से बुझेगी। और नाभा जी जंगल में प्रार्थना कर रहे हैं श्री हरि से, आओ हम सब भी नाभा जी के स्वर में स्वर मिला लें। हम सब भी तो इसी प्रकार व्याकुल हैं प्यारे, हम सब के अंदर भी तो एक ही वेदना है, हे हरि कब मिलोगे, हे हरि कब मिलोगे, हे हरि कब मिलोगे, यही तो वेदना है। और नाभा जी महाराज भी उस जंगल में बैठ के आज हरि को पुकार रहे, कह रहे क्या